अगर प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से 2 ब्लॉक है, 5 kg और 7 kg का, ये यहाँ पे 2 ब्लॉक है जिसकी वैल्यू 7 kg और 5 kg अटैच बाई ए हैवी रोप मास 4 kg। देखो रोप है, रोप के पास भी मास है। अगर एक ब्लॉक है और यहाँ जो रोप है, ये वाला जो रोप है वो भी मासलेस नहीं है, उसके पास भी मास है भैया, और इधर दूसरा ब्लॉक है, और ये पूरा सिस्टम एन अपवर्ड फोर्स इधर ऊपर से 200 न्यूटन लगा के खींचा जा रहा है। 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई टू सोलन फिगर, टेंशन एट द टॉप ऑफ हाईवी एट द पॉइंट पी। यहाँ पर पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पर कितना टेंशन डेवलप होगा वो हमें बच्चों निकालना। देखो हैवी रोप है तो अब इसको निकालने के लिए, करने के लिए सबसे पहले इसको, इस पूरे सिस्टम को, इसमें 3 मास है, यहाँ 7 kg का है, यहाँ ये 4 kg का है, एक ब्लॉक की तरह ट्रीट कर लो, और ये 5 kg का है, टोटल मास है। तो अगर इस टोटल को मैं एक सिस्टम एज्यूम कर लूँ, एक मास मान लूँ, और ऊपर बाहर से देख लूँ कि 200 न्यूटन तो बाहर, हाँ ये टोटल अगर इसको एक मास एज्यूम कर लूँ और इस पे 200 न्यूटन ऊपर फोर्स लग रहा है और नीचे लग रहा है, यहाँ पर नीचे लगेगा कितना हो जाएगा, 7 + 4 + 5, ठीक ना, तो 11 और ये 16 kg आ जाएगा, तो 160 न्यूटन नीचे फोर्स लगेगा। और ये पूरा सिस्टम अभी किधर जाएगा भाई, ऑब्वियसली ये ए एक्सलेशन से ऊपर जाएगा क्योंकि 200 ज़्यादा है, तो इस ए एक्सलेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो 200 - 160 / 16। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एक्सलेशन इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन मास, नेट मास। तो ये, तो अगर यहाँ देखोगे तो यह आ जाएगा 40/16। तो 40/16 अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16 है, मतलब यह आ जाएगा 2.5 m/s² से पूरा सिस्टम एक्सलेट हो रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब हमें पी पॉइंट पर टेंशन निकालना है, तो जो दूसरी वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी जो पी, जो 7 kg वाली है, इस 7 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस 7 kg वाले पे अगर देखोगे, 7 kg वाले पे, तो 7 kg वाले पे 200 न्यूटन तो आगे लग रहा है, यहाँ पे 200 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है, और यहाँ पे स्ट्रिंग में जो टेंशन टी होगी वो नीचे लगेगा, साथ साथ इसका वेट mg भी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, जो कि 70 kg 770 न्यूटन का होगा, ठीक ना, क्योंकि 7 kg का था। और ये सभी फोर्स इसको मिलके ए एक्सलेशन दे रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये वाली चीज़। और अगर 5 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे टेंशन टी डैश लग रहा होगा ऊपर, जो कि बदल जाएगा और नीचे लगेगा 50 न्यूटन, और ये दोनों मिल के इसको ए एक्सलेशन दे रहे हैं, तो ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है, ये नीचे 5 kg वाले का है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो अब मुझे टी चाहिए पी पॉइंट पे, तो मैं इसका इक्वेशन लिखूँ, तो इक्वेशन लिखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ तो 200 - 70 + t की जो वैल्यू होगी वो मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन, ये वाली चीज़। अब मैं इसको जो सॉल्व करूँगा तो यह जाएगा 200 में से 70 घटा दो और माइनस टी कर दो, और 7 में 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 में 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 17.5। तो ये यहाँ से 17.5 आ गया, और यहाँ से 200 में से 70 यहाँ से घटा दोगे तो 130 और माइनस टी यहाँ बचा, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो 130 - 17.5 दैट इज टी, तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 112.5 न्यूटन, इतना अपना टेंशन आ जाएगा पॉइंट पी पे। ध्यान रखना इसके नीचे टेंशन बदल जाएगा क्योंकि मास हैवी रोप है, ठीक है ना, तो हैवी रोप है तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, दैट इज बी ऑप्शन अपना इसका सही हो जाता है। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा, थैंक यू।